नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बल। फोर्स, देखिए बल क्या होता है, बल को समझेंगे। मैंने ये कोई वस्तु ले ली, ठीक है, और ये वस्तु इस समय रुकी हुई है, तो इसका मतलब है इसकी जो अवस्था होगी वो भ्रम अवस्था होगी। क्या होगी? भ्रम अवस्था। और यदि आप देख रहे होंगे, यदि मैं इसमें कोई धकेल लगा दूं, धक्का लगा दूं या खिंचाव कर दूं, तो ये वस्तु चलने लगेगी, अर्थात इसकी जो अवस्था हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? गतिमान अवस्था। यानी जब कोई वस्तु चल रही होती है तो उसकी कौन सी अवस्था होती है? वो गतिमान अवस्था। और वो रुकी हुई है तो कौन सी अवस्था है उसकी? भ्रम अवस्था। ठीक है, तो हम इस तरह से बल को परिभाषित कर सकते हैं कि बल वह धकेल या खिंचाव, बल वह धकेल या खिंचाव है, अर्थात बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की भ्रम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है। क्या करता है? भ्रम अथवा गति अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अब देखिए बल समझ में आ गया। अब बल के प्रभाव से वस्तु पर, मतलब बल से वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है, बल लगाने से वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, अगर कोई गतिशील वस्तु है और गतिशील वस्तु पर यदि हम बल लगाएं तो हो सकता है कि उसकी चाल का परिमाण बदल जाए, उसकी चाल का परिमाण बदल जाता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी चाल का परिमाण बदल जाता है। अब देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति की दिशा भी बदल जाती है। जैसे फुटबॉल है, उदाहरण के लिए फुटबॉल है, और फुटबॉल पर जब हम बल लगाते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बल के प्रभाव से वस्तु की जो गति की दिशा है वो क्या होती है? बदल जाती है। और क्या होता है बल के प्रभाव से? बल लगाने से और क्या प्रभाव होता है? देखिए, बल लगाने से जैसे रबड़ की गेंद है, और रबड़ की गेंद पर बल लगाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि बल लगाने से किसी वस्तु का आकार भी बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बल लगाने से वस्तु पर कई प्रभाव पड़ते हैं। बल समझेंगे, बल हमारा दो प्रकार का होता है। संतुलित बल नंबर दो, असंतुलित बल। ठीक है, तो संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं? संतुलित बल को समझाएंगे कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे हो या कार्यरत हो, तो उनका परिणामी बल यानी नेट बल, परिणामी बल कितना होता है? शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। और संतुलित बल जो होता है वो वस्तु की भ्रम अवस्था को और गति अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालता, अप्रभावित रहती है। यानी गतिमान अवस्था और भ्रम अवस्था क्या रहती है उसकी? अप्रभावित रहती है। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और इस पर दोनों तरफ से दो या दो से अधिक बल लगाए तो वस्तु ऐसी की ऐसी रहेगी। यानी कहने का मतलब है संतुलित बल वस्तु की भ्रम अथवा गति अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालता, अप्रभावित रहती है। ठीक है, तो इससे जो अगला है असंतुलित बल उसे समझेंगे। असंतुलित बल क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाते हैं तो उनका परिणामी बल शून्य नहीं आता, परिणामी नेट बल शून्य नहीं आता। अब देखिए, असंतुलित बल लगाने से
वस्तु की भ्रम अथवा गति अवस्था प्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, यानी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने से वस्तु गति अवस्था में हो तो भ्रम अवस्था में हो सकती है, और भ्रम अवस्था में हो तो गतिमान अवस्था में हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आज आपको बल क्लियर किया। इससे अगला टॉपिक मैं अगली वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, कंप्लीट करें। धन्यवाद।